दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ जो वैल्यू दी हुई है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, हमें दोनों तरफ सॉल्व करना होता है। और सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, वो क्या कि अगर कहीं आपको कॉट दिखे, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, जहाँ जहाँ आपको दिखे कॉट वहाँ ये रखिए। और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कई बार, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ओके, तो इन दो फॉर्मूलों का हम इस्तेमाल करेंगे दोनों तरफ। तो आइए दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं रख देता हूँ, ज़्यादा इधर हो गया, कोई बात नहीं, मैं इधर लिखता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो वन प्लस कॉट को हम क्या लिखेंगे, अभी मैंने आपको बताया कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। प्लस टेन को हम क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है। और ये छोड़ दीजिए क्योंकि ये ऑलरेडी बेसिक में है, यानी ये साइन कॉस में ऑलरेडी है, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। और दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो साइन ए इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं आप साइन ए अपॉन कॉस ए, माइनस कॉट ए को लिखिए क्या, कॉस ए अपॉन साइन ए, और कॉस ए ऑलरेडी है इसमें, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेने पर हमारे पास क्या बनेगा, एलसीएम लेने पर हमारे पास बन रहा है साइन ए, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई ही एलसीएम होगा, इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसको वन लिख सकते हैं, ठीक है। अब इससे डिवाइड कर, इस वन से इसको डिवाइड कर, सेम आएगा, इसी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे बटे वाले सवाल जोड़ते हैं ना हम, ये वही है। और प्लस साइन ए से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस ए बचेगा, कॉस ए से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए से अगर आप डिवाइड करेंगे तो साइन बचेगा, साइन से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, साइन स्क्वायर ए, ओके। और इसको ऐसे छोड़ दीजिए, साइन ए माइनस कॉस ए, ओके। अब इक्वल लगाइए, देखिए साइन ए तो क्या बन गया, ये साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या बचा दोस्तों, कॉस ए, और माइनस कॉस ए क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। अब क्या कीजिए, यहाँ तो देखिए वन बन रहा है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, वन। तो इसे लिखिए आप, ये ऐसे रहने दीजिए, साइन ए कॉस ए और प्लस वन, इसको अलग अलग कर दीजिए, यानी इसके बटे में भी लिख लीजिए, जगह की थोड़ी कमी है इसलिए मैं एक स्टेप छोड़ रहा हूँ और डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और वन के अपॉन में भी इसे लिखिए, क्योंकि ये तो वन आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर साइन ए और इंटू में कॉस ए, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और ये वाला ऐसे छोड़ दीजिए क्योंकि इसे कुछ नहीं करना है, ये ऑलरेडी कॉस और साइन में है। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे फिर एलसीएम लीजिए और इसको ऐड कीजिए, एलसीएम अगर मैं लूँगा और उन दोनों का भी एलसीएम सेम आएगा, यानी कि साइन ए, ठीक है, हाँ, यानी कि इसको मैं नहीं लिखूँगा तब भी बन जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है कुछ, तो इसको मैं पूरा ही लिखता हूँ, तो साइन ए इंटू कॉस ए और प्लस में वन, ओके, और पूरे के बट्टे में इसका एलसीएम साइन ए कॉस ए। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा, ताकि थोड़ी जगह बच जाए और मुझे चीज़ भी मिल जाएगी लिखने के लिए, सॉरी स्पेस मिल जाएगा लिखने के लिए। ये देखिए अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम ही होगा, वो मैं इसलिए देखिए इसलिए समझ में आया कि ये दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में ये दोनों, तो यहाँ नीचे पूरे में ये बचेगा और पूरे में ये बचेगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो साइन ए बचेगा, साइन ए से ऊपर गुणा कीजिए, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, साइन क्यू थीटा यानी ए माइनस सेम ऐसे ये आ जाएगा क्यू ए, ओके। तो अब एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, जरा उसे फॉलो करें, यानी अगर कहीं पे आप ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब देखेंगे तो वो क्या होता है, ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसे लिखा जाता है। ये ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। मैं सहूलियत के लिए लिखता हूँ क्योंकि कॉस और साइन स्क्वायर एक साथ होते हैं तो प्लस वन आता है, इसीलिए ऐसा लिखता हूँ मैं। ये भी लिखेंगे आप, यही होता है लेकिन हम ऐसे लिखते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है यहाँ पे, देखिए साइन साइन की क्यूब है माइनस कॉस की क्यूब है, तो अब मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, ओके। और क्या करता हूँ मैं, अब इसको और इसको कैंसिल कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा ज़रा देखिए, तो साइन ए कॉस ए प्लस वन और साइन ए माइनस कॉस ए, ओके। और इक्वल में मेरे पास बचा है इधर साइन की क्यूब ए माइनस कॉस की क्यूब ए, ठीक है। तो अभी ठीक चल रहा है सब कुछ, ये तो आ गया हमारा, अब इसको भी हमें खोलना है वैसे ही, तो ये भी आ जाएगा।
तो चलिए वैसे खोलते हैं, अब मुझे स्पेस की ज़रूरत है तो आप पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर रफ करके स्पेस लूँगा क्योंकि हमारा टारगेट था दोनों को इक्वल प्रूफ करना, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को। तो ये मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस वन और साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल। अब ये देखिए फॉर्मूला लगाइए अलजेब्रा वाला, यानी ए की क्यूब ए माइनस बी एक ब्रैकेट में लिखेंगे, तो मैंने लिख दिया साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। और दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस ए बी मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा, ओके। तो अब जो है इसे भी मैं रफ कर देता हूँ, और अब देखिए इधर हमारे पास क्या आया है, साइन ए और इंटू कॉस ए, साइन ए कॉस ए प्लस वन, ओके, और साइन ए माइनस कॉस ए दूसरे ब्रैकेट में इक्वल, ये तो सेम रहेगा तो साइन ए माइनस कॉस ए लिख दीजिए यहाँ पे, ओके। और अब दूसरे ब्रैकेट में क्या मिल रहा है हमें, ये देखिए किसका फॉर्मूला है, वन का, तो वन प्लस हमारे पास क्या बचा सॉरी दोस्तों मैं हमेशा थीटा लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ए दिया है तो हम ए ही लिखेंगे वरना गलत माना जाएगा, तो साइन ए और इंटू कॉस ए, ओके। तो आप खुद देख लीजिए, साइन ए कॉस ए प्लस वन, साइन ए कॉस ए प्लस वन, साइन माइनस कॉस ए, साइन माइनस कॉस ए, तो यानी हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल, राइट हैंड साइड के। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसको इधर और इसको इधर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा, अगर फिर भी कोई डाउट हो आपके माइंड में तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन दिया है वहाँ पर अपनी बात को लिख दें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद जो बटन बने उसे जरूर दबाएँ ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होगी हमारी वो आप तक पहुँच जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं अगले, सॉरी अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें क्या गिवन है, देखिए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल एम और सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल एन गिवन है, यानी दिया हुआ है, और हमें प्रूफ करना है कि एन ब्रैकेट में एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल होगा टू एम के। तो फिर वही बात कि हम क्या करेंगे, तो बहुत ही आसानी से पहले हम ये बनाएंगे एन को और एम स्क्वायर माइनस वन निकालेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन उससे पहले दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमेशा आप क्या करें, पहले साइन कॉस में तोड़ लें, तो मैं इसको तोड़ता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा और इक्वल में एन, ओके। तो अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो नीचे क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन में इधर आ जाइए यहाँ पे, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो कॉस थीटा, तो एन एन की वैल्यू हमें ये मिल गई, ओके, हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो इसे याद रखें कि एन की वैल्यू हमारे पास ये है और एम की वैल्यू हमारे पास ये है, तो एन तो हम डायरेक्ट रख देंगे, ठीक है। अब एम चाहिए हमें, तो एम हम देखिए एम तो डायरेक्ट दिया हुआ है 2m, यानी 2m हमें बनाना है, तो हमें इसको सॉल्व करना है एम स्क्वायर माइनस वन। अब m ये है, n तो हमें मिल गया जो हम रखेंगे, तो m ये हमारे पास ये स्क्वायर कर दीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, याद रखें यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको कि n इक्वल हमारे पास वैल्यू क्या है, n स्क्वायर है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। ये n है जो दिया था, हमने अपने अनुसार बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बनाएंगे एम स्क्वायर, तो चलिए दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, और स्क्वायर करने के बाद आप लिख दें, मैं स्पेस की कमी और टाइम की कमी की वजह से नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप लिख दें कि समीकरण में दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इसका स्क्वायर करते हैं और फॉर्मूला लगाते हैं, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस टू ए बी, ओके, और इक्वल में हमारे पास है एम स्क्वायर, तो ये दोस्तों देखिए क्या आ गया, वन वन प्लस टू साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल एम स्क्वायर, ओके। तो एम की ही वैल्यू चाहिए हमें एम स्क्वायर की, ठीक है, तो ये हमें मिल गई, इसको हम मान लेते हैं नंबर वन इक्वेशन, इसको हम मान लेते हैं नंबर टू। अब क्योंकि माइनस वन करना है, तो अब मैं निकालूंगा क्या, एम स्क्वायर माइनस वन जो मुझे इक्वेशन में पुट करना है, तो एम की जगह पूरा लिखिए वन प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन मुझे आपको समझाना है,
तो इसलिए बहुत आराम से कर रहा हूँ। तो देखिए m की वैल्यू तो मैंने पूरी लिख दी, माइनस लगाइए, वन लिखिए, अब प्लस वन माइनस वन कैंसिल, तो आपके पास क्या बची वैल्यू, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके ध्यान से देखें, ये कट गया, तो आपको वैल्यू क्या मिल गई, इसे नंबर थ्री मान लीजिए कि एम स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू आपको मिली है ये। अब हम इसमें रखेंगे और देखेंगे, चेक करेंगे 2m आता है या नहीं आता है, तो आइए रखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, n m स्क्वायर माइनस वन इक्वल n, n देखिए क्या है हमारे पास पूरा, आई थिंक स्क्वायर में नहीं था, मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये तो स्क्वायर में है ही नहीं ना, वो मैंने सही लिखा था लेकिन यहाँ दोबारा उतारने में गलती कर दी, कोई बात नहीं, देखिए सॉरी। तो यहाँ पर आइए वैल्यू रख लेते हैं, साइन यानी पूरा पूरा एन है, यानी एन की जगह पूरे, यानी इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ओके, अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में एम स्क्वायर माइनस वन की पूरी की पूरी। तो एम स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू देखिए पूरी है, तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा ये हम, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहे हैं, अभी हमने बस वैल्यू बनाई थी, तो देखिए ये देखिए ज़रा, देखिए आप खुद कट गया, तो अब आप खुद सोच लीजिए क्या बचा, टू बचा ये और ऊपर वाला बचा, ऊपर वाला क्या बचा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है, एम है, तो यहाँ पर आपका आ गया टू एम, आ गया बहुत ईजिली, और यही क्या है, राइट हैंड साइड है, देखिए। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो आप अपनी बात को इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ पर कह सकते हैं, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप बता सकते हैं। और दोस्तों मैं आपसे हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुँचाएँ, ताकि बोर्ड में सिर्फ आप ही नहीं, आपके आसपास के आपके मित्र भी टॉप करें, जिससे अगर एजुकेशन शिक्षा फैलेगी तो इससे हमारा ही विकास होने वाला है, ठीक है। इसको दबा के ना रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि बस मैं कर लेता हूँ, किसी और को नहीं करने देता हूँ, शायद मैं भी सोचता था अपने स्कूल के टाइम पे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है। एक्चुअली हम जितना शेयर करते हैं उतना जो है नॉलेज का जो लेवल है वो अच्छा होता है हमारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।